कांग्रेस सेवादल अपने लक्ष्य स्वयं निर्धारित करेगा तथा अगस्त माह से सेवादल की युवा ब्रिगेड नई ड्रेस में दिखेगी। ये बात कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय मुख्य संगठक लालजी देसाई ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवादल को जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया था उसे मूल रूप से मजबूत किया जाएगा। देसाई ने कहा कि पदभार संभालने के 3 माह में वह 20 राज्यों का दौरा कर चुके हैं। वह जिंदगी में पहली बार हिमाचल आए और हमीरपुर से उन्होंने दौरा शुरू किया है। उन्होंने खुलासा किया है कि आने वाले समय में सेवादल युवा ब्रिगेड के नाम से युवा सेवादल का संगठन किया जा रहा है। यह युवा ब्रिगेड अगस्त माह से अस्तित्व में आएगा। यह युवा ब्रिगेड की नई ड्रेस जीन व टी शर्ट होगी। अब बदलते दौर में पैशन को फैशन बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेवादल अपना लक्ष्य व कार्य स्वयं निर्धारित करेगा। अब सेवादल केवल तिरंगे को सल्यूट करेगा, किसी नेता को नहीं। उन्होंने कहा कि माह के अंतिम रविवार को कांग्रेस सेवादल एक साथ 1000 स्थानों पर तिरंगा फहराएगा। लालजी देसाई ने कहा कि इंदिरा जी की याद में 31 अक्टूबर को ज्यादा से ज्यादा रक्तदान कैंप लगाए जाएंगे। उन्होंने आरएसएस को चुनौती देते हुए कहा कि शाखाओं में भगवा नहीं तिरंगा फहराओ। उन्होंने कहा कि मेरा देश मेरा गौरव नाम से देश की 100 यूनिवर्सिटी में संवाद शुरू होगा। सेवादल चुनाव में भावनाओं में नहीं बहेगा। भारत के चुनाव में पाकिस्तान व सांप्रदायिक मुद्दे नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि गरीबी भुखमरी बेरोजगारी स्वास्थ्य विकास और सशक्त भारत ही चुनावी मुद्दा होंगे। उन्होंने भाजपा पर प्रहार करते हुए कहा कि वह दंगे की बात करेंगे तो हम नंगे की बात करेंगे। उनके हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में तिरंगा है। लालजी देसाई के मुताबिक वक्त के साथ कांग्रेस सेवादल भी बदल रहा है। अब काम नहीं तो पद नहीं, 10 मतलब बस, यानी कांग्रेस सेवादल का कार्यकर्ता 10 साल ही सक्रिय कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सेवादल राजनीतिक कूड़े को भी साफ करेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सेवादल छिप कर नहीं खुलकर चुनाव प्रचार करेगा। जहां कांग्रेस कमजोर होगी वहां सेवादल सक्रिय भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर आरएसएस का कुप्रचार है। राहुल गांधी कांग्रेस के सर्वमान्य नेता हैं। राहुल गांधी बड़ी सोच वाले नेता हैं। इस मौके पर मुखिया जिला संगठक मदन लाल क्वांडल ब्लॉक सेवादल प्रमुख व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज के जो दौर में मैं यहाँ पर 20वां राज्य है मेरा, खास करके सेवादल के साथियों के बीच जाकर उनकी बात को सुनना और सेवादल का जो एक पूरा नया स्वरूप है उसके बारे में बात रखना। देश के आजादी के आंदोलन में गोरों से जिस तरीके से हम लड़े थे, अब संविधान को कमजोर करने वाले चोरों से लड़ना है। इसीलिए हम लोग पूरा देश भर में हर महीने अंतिम रविवार को जो है जिलों के स्तर पर झंडा का ध्वजारोहण करके झंडे को सलामी करने वाला कार्यक्रम जो है उनके हाथ में डंडा और हमारे हाथ में झंडा वाला जो हमारा सोच है उसको रखना चाहते हैं। उसी तरीके से नए युवाओं को जोड़ने के लिए पूरा सेवादल का नया जो संगठन अभी हमारा नया विंग बन रहा है सेवादल यंग ब्रिगेड, उसका नया ड्रेस कोड ब्लू जींस व्हाइट टी शर्ट टैन पी कैप में वो लोग आ रहे हैं, तो उसका भूमिका क्या होगा क्या नहीं उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसी तरीके से 9 अगस्त को हम देश भर में तिरंगा के साथ जो फ्लैग मार्च करने वाले हैं वो कार्यकर्ताओं को जो पूर्ण तैयारी के रूप में, तो आने वाले समय में जैसे हम लोगों ने सैल्यूट हटा दिया है, पैर छूना मना कर दिया है, तो एक पूरा एक सामंतवाद को हटाकर एक नया डेमोक्रेटिक पूरा संगठन के तौर पर आगे कैसे बढ़ेंगे उसकी चर्चा करने के लिए और कल प्रदेश का कार्यकारिणी का सेवादल का बैठक है उसमें हिस्सा लेने आया हूं मैं। लोकसभा चुनाव में सेवादल का जो मुख्य भूमिका ये होगा कि जैसे चुनाव आते हैं और लोग धोखाधड़ी करते हैं, जनता के मुद्दे को छोड़कर भावनात्मक मुद्दों पर चुनाव लड़ना शुरू कर देते हैं, खास करके भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान स्मशान कब्रिस्तान ये जो मुद्दे लेके आ जाते हैं, हम कहते हैं कि मुद्दे ये नहीं है, मुद्दे है शिक्षा, मुद्दा है रोजगार, मुद्दा है सुरक्षा और शांति और देश में एकता बंधुता समानता और भारतीय जो है उसका एकता और अखंडता, तो उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए ना कि इमोशनल मुद्दों पर। तो हम मुद्दों की राजनीति के लिए सेवादल अपने आप को तैयार कर रहा है, कैंपेन करेगा। हम कुछ कमजोरियों को स्वीकार भी करते हैं पर आने वाले वक्त में देखेंगे। जब शेर शेरनियां जब सोते रहते हैं, जब वक्त जरूरत नहीं है तब तक, और जब पुकार आती है तो शेर शेरनी निकल पड़ते हैं। सेवादल वो शेर शेरनियों का संगठन है, आपको दिखाई देगा 9 अगस्त और 15 अगस्त को पूरी हिमाचल में आपको दिखाई देगा। मुझे लगता है कि हम नंबर में भी नहीं पड़ रहे हैं और सेवादल जो है वो पूरी तरह से अपने आप को चुनाव लड़ने वाला संगठन नहीं है। हमारा काम है पॉलिटिकल पार्टी के रूप में जो कांग्रेस को मजबूती देना, हम कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है, तो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। सेवादल का काम तो सहयोग करने का है और खास करके राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र सेवा करते करते और नए नेतृत्व को कांग्रेस में लाने का और देश के लिए समर्पित करने का, वो काम हम करेंगे।